भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कल अग्रवाल की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की जानकारी सामने आई है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब दिया कुमारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। सीताराम अग्रवाल के साथ कुछ पार्षद और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। पार्षद केसरमल शर्मा, महेश अग्रवाल और धापा देवी की तैयारी। 10 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस के चुनावी माहौल के बीच एक और बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कल अग्रवाल की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की जानकारी सामने आई है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब दिया कुमारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। सीताराम अग्रवाल के साथ कुछ पार्षद और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। पार्षद केसरमल शर्मा, महेश अग्रवाल और धापा देवी की तैयारी। 10 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस के चुनावी माहौल के बीच एक और बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कल अग्रवाल की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की जानकारी सामने आई है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब दिया कुमारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। सीताराम अग्रवाल के साथ कुछ पार्षद और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। पार्षद केसरमल शर्मा, महेश अग्रवाल और धापा देवी की तैयारी। 10 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस के चुनावी माहौल के बीच एक और बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है।